इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जनपद से आ रही है। आपको बता दें कि मैनपुरी के भोगांव में 7 वर्षीय मासूम के साथ हुई हैवानियत। अज्ञात व्यक्ति ने बताया कि मासूम को हवस का बनाया शिकार। घर के पास अधबने बने मकान में हुए हैवानियत। बारिश में भीगती हुई मासूम पहुंची अपने घर। हालत बिगड़ने पर मासूम को कराया गया जिला अस्पताल में भर्ती। पूरा मामला थाना भोगांव क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। सर मैं तो अपने कमरे में लेटा हुआ था, तब ये खबर ये लोग इधर हमारे कमरे से भाग के दरोगा रहे थे। उन्होंने कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ऐसे ऐसे वो लाला राम की नातिन के संग रेप कर दिया गया है। हमने कि लाला राम की नातिन, हाँ वो 8-9 साल की थी, तो वो लेटिन करने गई है, उस रेप कर दिया गया। तो हम इधर जब आए इधर, मुझे पानी बंद हो चुका, पानी थोड़ा थोड़ा बरस रहा था, तो मैं आए इधर आके भीड़ लगी थी घर पर। फिर हमने देखी तो लड़की जो है अंदर लेटी हुई थी, और आंखें भागे कुछ नहीं चला रही थी। बच्ची ने कुछ बताया था? बच्ची ने उस समय बोल नहीं रही थी, कुछ नहीं बोल रही थी, कुछ नहीं बोल रही थी उस समय। आपके पास पुलिस आई थी क्या? हाँ पुलिस आई है। पुलिस ने क्या सहयोग किया था? पुलिस ने सहयोग ये करा, उन्होंने आकर के उस बच्ची से उसको देख करके उससे पूछा, तो रही नहीं थी, पता नहीं, तो फिर वो लिख के ले गए उनकी माता जी से, उनकी दादी से पूछा, इन लोगों से पूछ गए, पूछ पाछ के फिर पुलिस उनको ले गई। एम्बुलेंस वगैरह कुछ वाहन वगैरह आया था? हाँ एम्बुलेंस आया, हाँ आया था एम्बुलेंस, आया तो उसी बच्ची को लेकर के ये गए हुए। फिर उस स्थान पर पहुंचे जहाँ पर रेप किया गया, तो वो स्थान भी देखा जा करके, सभी महोदय वहाँ पहुंचे जा करके, वो स्थान को देख करके फोटो वोटो लिया, और फोटो लेकर के दुर्गा जी लड़की को एम्बुलेंस में बैठा दिया और ले गए। सर आपके यहीं निवासी? मैं साहब यहीं रहने वाला हूँ, मैं जो पूर्व सभासद भी रह चुका हूँ।